हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपने कभी ताश खेली होगी तो यहाँ पर देखिए एमएस वर्ड पर ये ताश कैसे डिजाइन किया जाएगा, ये भी एक सवाल है, एक हमारे व्यूअर ने ही पूछ लिया है। वैसे मैं एमएस वर्ड पर वीडियोस कम ही बनाता हूँ, लेकिन चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके का आपको ये बनाना है और ये कैसे बनेगा आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एंटर करता हूं, नीचे आता हूं, यहीं पे हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से एक बताता हूं कोड, वो प्रेस करिएगा। पहले आप अल्फा न्यूमेरिक की 1 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, फिर क्या प्रेस करना है, फिर आपको प्रेस करना है एफ, फिर प्रेस कर लीजिएगा 0। अच्छा, एफ जो प्रेस कीजिएगा वो कैपिटल रहेगा। फिर यहाँ पे 0 प्रेस कीजिएगा, फिर ए भी कैपिटल प्रेस कीजिएगा, उसके बाद 9 प्रेस कर दीजिएगा। ये हो गया ना, बस आपका ताश बनने ही वाला है, कार्ड बनने ही वाला है। क्या करना है, ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस कर देना और देखिए ये आपका कार्ड बन गया। देखा आपने कितना आसान है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब एक ईट वाला कार्ड भी डिजाइन कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, अल्फा न्यूमेरिक की, कौन सी की प्रेस करनी है ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रेस करना है तो अल्फा न्यूमेरिक की। तो 1 प्रेस कीजिए, फिर कैपिटल एफ लिखिए, फिर लिखिए 0, फिर लिखिए क्या डी, और फिर लिखिए 1, और अब ऑल्ट के साथ प्रेस कर दीजिए एक्स। ये लीजिए, ये ईट तो नहीं बना लेकिन ये चिड़ी बन गई, ये चिड़िया वाली, ये देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं। आप जब ये कार्ड खेला करते थे तो इसे क्या बोलते थे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने प्रेस किया है 1, फिर प्रेस किया है एफ, फिर प्रेस किया है 0, फिर बी, और फिर क्या करना है, फिर ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये तो बन गया बादशाह, देख रहे हैं, यानी अलग अलग टाइप के कार्ड बन रहे हैं। ठीक है, एक बार और ट्राई करेंगे कि एक और कार्ड बादशाह के बाद कुछ और शायद बन जाए, तो चलिए ट्राई करते हैं। वही सेम, पहले 1 लिखते हैं यहाँ पे, फिर F लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, और फिर यहाँ क्या करते हैं C, और एक बार और हम क्या लिखेंगे C लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं, यहां पर इधर की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए यहां पर लिखूंगा C एक बार और, ठीक है, और ये से लिख करके क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको और इस तरीके से करूंगा। ये देखिए ये आ गए हम यहाँ पर, 3 कार्ड तो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब ये लिख करके आपको अल्ट के साथ एक्स प्रेस करना है। ओ ये लीजिए, ये ईट भी बन गई आपकी, देख सकते हैं यहां पर ये इस तरीके का आया हुआ है, सारे कार्ड ही हैं। ठीक है, अब फिर एक और बनाते हैं, काफी मजा आ रहा है, तो इसको एक और बार हम करेंगे। तो 1 एफ यहां लिखा हमने, फिर यहां 0 लिखा, और फिर यहां क्या लिखेंगे डी, 2 बार डी लिखा। ठीक है, और क्या किया, अल्ट के साथ एक्सप्रेस कर दिया। लीजिए ये क्वीन भी बन गई इसमें, यानी सारी चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कई कार्ड्स हमने डिजाइन किए और केवल शॉर्टकट की का यूज करके। एक बार और डिजाइन करेंगे, यहां लिखेंगे 1 एफ, फिर लिखेंगे यहां 0, और फिर यहां लिखेंगे ई। ठीक है, 2 बार ई लिखा और अल्ट के साथ एक्स प्रेस कर दिया। लीजिए ये भी एक कार्ड डिजाइन हो गया। अलग अलग टाइप के कार्ड आप डिजाइन कर सकते हैं केवल शॉर्टकट की का यूज करके, बहुत आसान है। अल्ट के साथ आपको एक्स लास्ट में प्रेस करना है, उसके पहले एक और बना लेते हैं। और 1 लिखेंगे, एफ लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और इस बार क्या करते हैं एफ एफ करते हैं, और अब अल्ट के साथ एक्स कर देते हैं। तो यहां पे देखिए ये सिंबल भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से ये डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।